आज के दिन जो इतना माना जाता है वो नव वर्ष है, इसलिए ऑल्सो चंद्रमा की आगमन है, चंद्रमा का आगमन है, इसलिए भी आज का दिन माना जाता है। इस दिन जो गुड़ी पाड़वा कहते हैं जिसको कि एक लोटे के अंदर एक पटाखा लगा के और पटाखे का डंडा वो जो लोटा होता है उसमें लगा देते हैं। ये जो लोटा होता है ये रिप्रेजेंट करता है कुंडलिनी को, और उसमें समर्पित हो करके क्या शालिवान लोग जो होते वो देवी भक्त थे, और कहा जाता था कि ये देवी को शाली देते थे, शाल देते थे, और पर वो सात वाहन भी कहला जाते शुरू में, क्योंकि वो सात चक्रों को मानते थे, इसलिए उनको शाली वाहन कहते हैं। बाद में बदल गया पर है सात वाहन, और सात वाहन से अब शाली वाहन हो गए, और शाली वाहन का प्रतीक वही बनाते हैं, ये गुड़ी खड़ी करेंगे, गुड़ी माने जिसको खाना चाहिए कि झंडा है वो प्रतीक रूप, और उसके ऊपर में एक जो लोटा होता है उसका भी एक पर्टिकुलर शेप होता है, उसी उससे होता है, वो भी कुंडलिनी का द्योतक है, तो वो कुंडलिनी के पुजारी थे, कुंडलिनी को मानते थे, इसलिए उन्होंने वो चीज इस तरह की बनाई है। और जो मानता है वो ऐसी गुड़ी अपने घर में खड़ी करता है, एक कहना चाहिए ऐसा झंडा लगाता है। तो इसका कारण वही है कि वो लोग चाहते थे कि हम इस दिन कुंडलिनी का स्वागत करते और कुंडलिनी का विशेष रूप से प्रदर्शन करते थे। लोगों को पता ही नहीं कि ऐसा क्यों करते हैं, कष्ट आ रहे वही चीज करते रहते हैं, पर पूछना तो चाहिए कि ऐसे क्यों, ये क्या चीज है। तो क्योंकि वो सात वाहन थे, सात वाहन को मानते थे और कुंडलिनी के रक्षक थे, कुंडलिनी की पूजा करते थे, इसलिए उन्होंने इस तरह से अपना नव वर्ष शुरू किया, और नव वर्ष में उन्होंने ये द्योतक मतलब ऐसी मनाया कि एक लोटा हो और उसके नीचे ये झंडा ये गुड़ी लगाई जाए। यहाँ इस चीज को इतना मानते नहीं और कोई जानता भी नहीं है, पर संवत्सर भी जो सबका है यहाँ विक्रम वो भी आज ही से शुरू हुआ है। हो सकता है दोनों के साल अलग हो पर दिन यही है, ये भी इसी अमावस्या को मानते हैं और वो भी इसी अमावस्या को मानते हैं। तो इस तरह से ये जो गुड़ी पाड़वा है मैंने ये जो चीज है ये सभी दोनों इसमें माना जाता है। अमावस्या नहीं होती, प्रथमा जिसको कहते हैं पहला दिन वो है आज, इसीलिए आज चंद्रमा वगैरह कुछ नहीं आकाश में पूरा अंधेरा है। पर हम लोगों को जानना चाहिए कि हमारे देश के अंदर ये क्यों होता है और उसके अंदर इसकी क्या विशेषता है। जब तक हम लोग अपने देश के बारे में जानेंगे हमें उसके प्रति आदर, उसके प्रति में प्रेम नहीं हो सकता। बहुत बड़ी बड़ी गहरी चीजें हैं और वो गहरी चीजें हम जानते ही नहीं क्या है, कद या कलयुग है, ये कलयुग क्यों है, कैसे आया, इसका क्या मतलब है, ये सब हम लोग जानते नहीं हैं, सिर्फ सुन सुन के बातें करते हैं। और इसकी बड़ी भारी कहानी है कलयुग की, परीक्षित राजा के टाइम की, वो कोई जानता ही नहीं, कोई पढ़ता ही नहीं, सब बेकार की चीजें पढ़ते रहते हैं। ज्यादा से ज्यादा कभी हो तो रामायण वामायण पढ़ लेंगे, पर इसका जो पीछे में जो संदेश है या इसके पीछे में जो शास्त्र है उसके बारे में कोई जानता नहीं। तो हम सहयोगियों को चाहिए कि हम जाने हमारे देश की जो सभ्यता है वो कहाँ से आई और किस तरह से हम इस स्थिति में पहुंचे, ये जानना चाहिए।
क्योंकि उसको जाने बगैर हमारे अंदर यही परदेसी दिमाग आ जाएगा और उससे अहंकार और ये सब चीजें आ जाएंगी। बेहतर है कि समझ लें कि हमारे अंदर जो ये चीजें हैं वो कहाँ से आई, उसका क्या महत्व है, ये हम क्यों करते हैं। बस यूं ही अपना करते हैं सब लोग तो हम भी करते हैं, ये बात ठीक नहीं, उसको समझ लेना चाहिए। यही मैं चाहती हूँ कि सब सहयोगी इसको जान ले, समझ लें। अगर हमारे पास टाइम होता तो हम सब लिखते, पर हमारे पास इतना टाइम नहीं है। आप लोग इसको पढ़ सकते हैं और जान सकते हैं। अपने यहाँ सारे किताबें हैं, हिंदुस्तान में हिंदी भाषा में इतनी किताबें हैं, कोई ये किताबें पढ़ता ही नहीं। सारी दिल्ली में मिलती हैं, मैंने तो दिल्ली में ही खरीदी थी। तो इनके बारे में जानना चाहिए, जो पौराणिक है, वैसे कहने को तो पुराण है, लेकिन उसमें बहुत सी कायदे की बातें हैं जो समझ लेने से हम समझ सकते हैं कि भारतवर्ष के नींव में क्या चीज़ है। हम लोग को हिंदुस्तानी सबसे श्रेष्ठ माने जाते हैं, मतलब सामाजिक रूप से ना हो पर सांस्कृतिक रूप से हम लोग बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। और दूसरा ये कि धर्म में कैसी स्थापना करना चाहिए, धर्म क्या है, बहुत कुछ गहरी बातें लिखी हुई। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग कुछ इसका अध्ययन करें, पढ़ें, तो एक नई दिशा आप लोगों को मिल सकती है। क्योंकि विदेशी भाषा जो है या विदेशी जो कुछ विज्ञान है वो बहुत ही ज़्यादा सुपरफिशियल कहना चाहिए। इसलिए आप लोग कोशिश करें यहाँ आपके यहाँ सत्ता साहित्य रहे ना। मैंने वहीं से बहुत सी किताबें खरीदी, हर सुंदर है दुकान थी, उसी दुकान से बहुत सी किताबें पढ़ी थी और लाई थी, बहुत सस्ती मिलती है, पैसा नहीं लगता, पर टाइम चाहिए पढ़ने के लिए। अब फालतू चीज़ों में हम पढ़ते रहते हैं, फालतू सिनेमा देखते रहते हैं, फालतू न्यूज़ पढ़ते रहते हैं, पर जो हमारा अध्ययन होना चाहिए वो बहुत गहन और ऐसी चीज़ों पे होना चाहिए जो हमारे पास बहुत सालों से आई हुई है। आज का दिन बड़ा शुभ है, वैसे मेरी इतनी तबीयत अच्छी नहीं थी, पर मैंने कहा कि अब ऐसे शुभ अवसर पे क्या करें, पूजा में तो जाना ही। अनंत आशीर्वाद है।